अनमोल एसएससी की तैयारी करना चाहता है, उसे पता नहीं तैयारी शुरू कैसे करनी है। मैथ से शुरू करते हैं, मैथ्स ट्यूशन ट्यूशन लगा लेता हूँ, यूट्यूब यूट्यूब देख लेता हूँ। बोस अपनी तैयारी टॉपर्स की तरह करता है, वो ट्यूशन व्यूशन के चक्कर में नहीं पड़ता। उसे पता है जो ट्यूशन वाले पढ़ाने वाले हैं वो बुक से वैसे भी लिखा है, और ट्यूशन वाले जो चीज़ 2-3 घंटे में कराएंगे वो बुक से आधे घंटे में खुद से कर सकता है, तो वो बुक से करता है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अखिल मित्तल, एसएससी सीजीएल 2022 में मेरी रैंक 335 आई है, डब्ल्यू सेलेक्ट हुआ हूँ मैं, और आज देखते हैं कि मैं कैसे मैथ्स की प्रिपरेशन करता हूँ। मैं आपके साथ वही सेम स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, मैं ट्यूशन व्यूशन के चक्कर में नहीं पढ़ता हूँ, मैं बुक से तैयारी करता हूँ। कंप्लीट मैथमेटिक्स इस बुक का नाम है, बाय ऋषिकेश कुमार, ल्यूसेंट की पब्लिकेशन की बुक है ये। हालांकि बुक में काफ़ी मिस्टेक्स हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज ये बुक जो है काफ़ी अच्छी है प्रिपरेशन के लिए, जो मैंने नोटिस करा है। इसमें बुक में आपको शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, सारे फॉर्मूले मिल जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और प्रिपरेशन इससे जो है ना काफ़ी अच्छी हो जाती है जो मैंने देखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें सॉल्व एग्जांपल्स भी हैं, ये सॉल्व एग्जांपल्स चल रहे हैं, देखो सॉल्व एग्जांपल्स। इस बुक में मोस्टली वो सब चीज़ें हैं जो आपको एक ट्यूशन टीचर बताएगा, और वो आपको इस बुक में मिल सकते हैं। जो चीज़ आपको 2-3 घंटे में बताई जाएगी वो इस बुक से आप मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर कर सकते हैं, कि मैं खुद का बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ। अब इस बुक को यूज़ कैसे करना है थोड़ा उस पर चलते हैं। तो ये इसका इंडेक्स है, और मैं आपको एग्जांपल दूंगा टाइम वर्क पाइप्स एंड क्रिस्टल्स का। ये चैप्टर मैंने अभी रिसेंटली करा था, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने कैसे प्रिपेयर करा। वो चीज़ आप हर एक चैप्टर में लगा सकते हैं इस बुक में। तो ये है कैंडिडेट्स, हमारा चैप्टर टाइम वर्क पाइप्स एंड क्रिस्टल्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे फॉर्मूला भी दिए हुए हैं, सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी दी हुई हैं, और मैंने इन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करके जो है अपनी प्रिपरेशन करी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं चलता हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है बुक को। देखिए हर चैप्टर के ना 3 से 4 पार्ट तक होते हैं, उसमें आपका होता है, पहला आपका होता है ये ट्रिक्स प्लस शॉर्ट एग्जांपल्स, दूसरा आपका एक एक्सरसाइज होती है, और तीसरी एक और एक्सरसाइज होती है। कभी कभार कुछ चैप्टर में चौथी एक और पार्ट होता है जो कि तीसरी एक्सरसाइज होती है, यानी कि एक्सप्लेनेशन प्लस 2 एक्सरसाइजेस, और कुछ चैप्टर्स में एक चौथी एक्सरसाइज भी होती है। हर चैप्टर में नहीं होती, इसमें सिर्फ 3 पार्ट हैं, एक्सप्लेनेशन और 2 एक्सरसाइजेस। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका एक्सप्लेनेशन, साथ में हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल शुरू हो गए हैं, एक्सप्लेनेशन का ही पार्ट मानता हूँ मैं इसे। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, कुछ के ऑप्शन गलत होते हैं, कुछ के क्वेश्चन गलत होते हैं, तो डेफिनेटली करते हुए ध्यान से ही करना है। ये एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन है, और ये है हमारी दूसरी एक्सरसाइज, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका एक्सप्लेनेशन था दूसरी एक्सरसाइज का, और नया चैप्टर शुरू होता है। ये तो मैंने आपको पार्ट दिखा दिया, अब इसे करना कैसे है ये भी दिखा देता हूँ। हर एक चैप्टर को ना आपको 3 दिन में लेके चलना है, जो यूजली चैप्टर मैं बता रहा हूँ 3 पार्ट वाला। पहले दिन आपको एक्सप्लेनेशन और सॉल्व एग्जाम्पल कर लेने हैं, दूसरे दिन आपको पहली एक्सरसाइज करनी है, और तीसरे दिन आपको दूसरी एक्सरसाइज करनी है, यानी कि जो लास्ट एक्सरसाइज है। अब मैं 3 दिन क्यों कह रहा हूँ, ये आप हिसाब से 1 दिन में भी कर सकते हैं, इतना कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 3 दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में, और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनको मैं गाइड कर रहा हूँ, उस एक्सपीरियंस में जो मैंने नोटिस किया है कि जब आप 1 ही दिन में पूरा चैप्टर करने की कोशिश करते हो ना, तो वो इतना अच्छा ग्रास्प नहीं हो पाता आपसे। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा दिमाग है ना थोड़ा टाइम बाद काम करना बंद कर देता है, और ये फैक्ट है यार। आप कितने भी समझदार हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कुछ टाइम बाद आपको चीज़ें समझ में आनी ही बंद हो जाएंगी,
तो उससे बचने के लिए आप एक चैप्टर को 3 दिन में डिवाइड करके चलें। इससे होता क्या है कि आपकी मेमोरी जो है वो फ्रेश रहती है, मतलब 3 दिन तक आप लगातार वो कर रहे हो तो डेफिनेटली यार वो 3 दिन तक जब आप सेम चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी उसकी ग्रास्पिंग होगी, बजाय उसके जब आप सिर्फ एक दिन में पूरा निपटाने की कोशिश करो। और इसका एक रीज़न ये भी है कि 3 दिन में करने से क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो मिनिमल टाइम में भी हो जाएगी। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप ऐसे प्रिपरेशन करोगे तो 2.5 से 3 महीने में आप आराम से कर सकते हो। टोटल 34 चैप्टर्स हैं जो मैंने काउंट किया है इसमें, और उन 34 चैप्टर्स को आप मल्टीप्लाई करके देख लो 3 से, रोज़ आप करोगे तो डेफिनेटली 3 महीने तो मैक्सिमम उसमें हो जाएगा। कुछ चैप्टर्स छोटे हैं वो जल्दी भी हो जाएंगे। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है गाइस। और एक चैप्टर इसमें बुक में मिसिंग है, एक्चुअली ये बुक का पार्ट वन है, ठीक है, जैसे मैंने दिखाया ये पार्ट वन है बुक का, इसका पार्ट टू भी आता है, और इसके और उसके चैप्टर मिला के जो है 34 है टोटल। इसमें कुछ चैप्टर दिए हुए हैं और इसमें कुछ चैप्टर दिए हुए हैं, ये नीचे के आप छोड़ देना अनलेस आप बैंकिंग के एग्ज़ाम दे रहे हो ना, एडिशनल वाले इसमें लिखा ही हुआ है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करना है। और जब आप एक्सरसाइजेस करोगे ना तो उसका भी थोड़ा सा नोट डाउन करना है। जैसे मैं दिखाता हूँ कि मैंने पाइप्स एंड क्रिस्टल्स का क्या था ये टाइम एंड वर्क का, तो पहली एक्सरसाइज का जैसे आप रिजल्ट ये देख सकते हो, ये मैंने जो पहली बार अटेम्प्ट करा उसमें मैंने ये करा, और बाद में जब एनालिसिस करा तो पता चला कि कुछ क्वेश्चन गलत थे और कुछ क्वेश्चन जो है मैंने सही करे वो ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो उसमें एक्यूरेसी बढ़ गई, अटेम्प्ट रेट भी बढ़ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सेकेंड एक्सरसाइज का है, अगेन इसमें भी वही थोड़ा कुछ क्वेश्चन वो ऑप्शन गलत था तो इसमें एक्यूरेसी बढ़ गई। ऐसे आपको एनालिसिस बना लेना है, आपको टारगेट करके चलना है कि आपकी एक्यूरेसी 95% से ऊपर हो, और होना चाहिए कि अटैम्प्ट जो है 100% तक आए। अभी फ़िलहाल मेरा अटैम्प्ट भी 100% तक नहीं आया, लेकिन आप देख सकते हैं पहली बार 85-87% था और नेक्स्ट टाइम जो है 93% चला गया। तो डेफिनेटली आपको भी इम्प्रूवमेंट टारगेट करके चलनी ही है इसमें। अब कुछ कैंडिडेट्स मुझसे कहते हैं कि सर थोड़ा कैलकुलेशन का भी बताइए कि कैलकुलेशन में हम वीक हैं कैसे करें, तो मैंने आपको इसमें बता ही दिया है कि भाई इसमें जैसे आपको एक ये ट्रिक्स मिल जाती है, सारी ट्रिक्स आपको इसमें मिल जाएंगी बुक में, इतनी ट्रिक्स हैं यार पढ़ते पढ़ते थक जाओगे लेकिन ट्रिक्स ख़त्म नहीं होगी। तो कैलकुलेशन का पार्ट भी जो है ये बुक थोड़ा आपके लिए आसान कर देती है। हाँ थोड़ा इस बुक को ध्यान से पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन मैंने नोटिस करे हैं कि इसमें गलत होते हैं, बट आप ये मान के चलो ये बुक आप ढंग से कर लोगे ना तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इनफैक्ट मैं जब अपना पेपर देने गया था ना TA 2 का, तो मैं इसके पार्ट टू लेके गया था, मैं पार्ट वन नहीं लेके गया था मैं, क्योंकि मेरे को ज़्यादा दिक्कत जो है ज्योमेट्री वगैरह में आती है और वो पार्ट टू में दिया हुआ है इसके, मैं वो लेके गया था। मैंने सिर्फ इसके एग्जाम्पल पढ़ के गया था और मेरा पेपर आप मानोगे नहीं, उससे 4 क्वेश्चन हो गए जो मतलब मुझसे वैसा नहीं होता, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो डेफिनेटली इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, सिलेक्शन अगर चाहिए तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, और मुझको पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई फर्दर क्वेरीज हो। तो लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहूँगा, सर झुकाओ और काम करो।